हेलो गाइस, वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस एंड आई एम विकेश कुमार। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, प्रीवियस क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो उससे पहले हम चेंजेस को समझते हैं। बेसिकली दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है तो दूसरे फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, जैसे कि इवेपोरेशंस, ठीक है, फ्रीजिंग, ये सारी चीजें देख सकते हैं जो चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर से आइस में चेंज होना, आइस से वापस में वाटर चेंज हो सकता है। एवेपोरेट होना, जैसे वाटर से एवेपोरेशन में चेंज हो जाना, एवेपोरेशन से वापस वाटर चेंज हो सकता है। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं जनरली जो रिवर्सिबल होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। सेकेंड वन, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ऐसे चेंजेस जो एक बार चेंज हो जाएगा तो फिर फर्स्ट स्टेज में पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो इस तरह की चेंजेस जो है केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो जैसे समझ लेते हैं दूध से दही बनना, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। रस्टिंग बोल सकते हैं, रस्टिंग, अगर एक बार लोहे पर अगर रस्टिंग आ गया तो वापस वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की जैसे कि सब्जियां का जो सड़ना होता है बेसिकली तौर पे, ठीक है, तो ये सारी चीजें है वो वापस फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा। कोई भी चीज जल गया तो वापस फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इस तरह की चेंजेस जो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, उस तरह की चेंजेस जो होते हैं केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आज के चैप्टर्स में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? बेसिकली हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। दो या दो से अधिक केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनता है। यानी आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक केमिकल्स मिलके एक नए केमिकल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट होता है, जो आपस में रिएक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही? जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अपन बात कर रहे थे कि दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होता है। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, जो रिजल्ट बन के आता है रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। समझ में आ रही बात है? तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लेते हैं एक तरफ सोडियम है और सोडियम और वाटर को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट हो रहा है तो ये क्या है? रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, NaOH, क्लियर, और प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, क्लियर। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग। बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन से हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकता है। अगर एक रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है? तो सबसे पहले स्टेट इन चेंज, रिएक्शन के बाद स्टेट चेंज हो सकता है,
ठीक है, अगर कोई भी सॉलिड है तो लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड है तो रिएक्शन के बाद वेपोरेट भी गैस बीच हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चेंज इन कलर, अगर दो ये कलर अगर अलग अलग है सपोज दैट, तो रिएक्ट होने के बाद उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, तो कलर चेंज हो सकता है रिएक्शंस के बाद, क्या हो सकता है उससे गैस बाहर निकले, तो बोल सकते हैं एवोल्यूशंस ऑफ गैस, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उससे हीट बाहर निकले या हीट को गेन करे, दोनों कंडीशन हो सकता है, तो बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है, तो ये चीजें होता है, इतनी सारी चीजें हो सकती है, और भी चीजें हो सकती है। तो जो मैं इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कि केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि एक से ज्यादा अगर हम केमिकल को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको मिलाने के लिए हम उसका सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखिए सोडियम का Na, वाटर का H2O, तो उस सिंबल को यूज करके हम जो बनाते हैं, ठीक है, रिएक्शंस जब कराते हैं और सिंबल का यूज करते हैं, और जो एक फॉर्मेट बन के आता है, एक फॉर्म बन के आता है, जैसे कि NaOH, ठीक है, तो ये इक्वेशंस हो गया, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। और जो हमारे पास आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक तौर पर फॉर्मूला। जैसे कि यहां पर देखिए, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना है H2O, तो H2O है वाटर का फॉर्मूला हो गया, बोल सकते हैं यह हो गया NOH, ठीक है, ये भी सोडियम और वाटर के मिलने से बना है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको फॉर्मूला बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं पहले, अगर मेथेन को हम जलाएंगे तो क्या होगा, वर्ड में लिख के देखते हैं। मेथेन वर्ड में लिखती है, तो जलेगा तो ऐसे तो नहीं जल सकता है, कोई सी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, या मस्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ये मेथेन जला तो हमारे पास चीजें आई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब मेथेन जलता है तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ये चीजें आएगा, ठीक है। कैसे आएगा ये देखते हैं, अब इसको हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग जनरली जो वर्ड में लिखे इसको वर्ड इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन कैन द चेंज इनटू केमिकल इक्वेशंस, तो सिंबल फॉर्म में अगर लिख देंगे तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे मेथेन को हम क्या लिखेंगे, CH4, ओके, हमने इसको लिख दिया CH4, ऑक्सीजन को O2, क्लियर है, ठीक है, CH4 एंड O2, तो यहां से हमें मिल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो गया, देखिए ध्यान से, यहां का कार्बन तो ये आ गया, ये ऑक्सीजन 2 यहां पे आ गया, यहां पे सिर्फ क्या बचा, 4 हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है उसका मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, 4 ऑक्सीजन हो गया यहां पे, तो CO2, यहां पे 2 ऑक्सीजन और है, और यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको लिख सकते हैं H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो इस फॉर्म में हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली लिक्विड है, तो लिक्विड अगर होगा तो L से डिनोट करेंगे, गैस रहेगा तो G से।
देखिए इस इक्वेशंस में अपन देखे कि यहां पे कम हो रहा था ऑक्सीजन तो यहां पे हमने लगा दिया, इसको बोलते हैं बैलेंस करना, हमने बैलेंस करके लगाया। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बैलेंस आखिर करते कैसे हैं, हम कैसे समझेंगे कि यहां बैलेंस करना है कि नहीं करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, लिखने का सही तरीका क्या है, किसी भी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। जो टॉपिक है वो बोल सकते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले लिखने का मेन तरीका ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरफ क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और इस तरफ क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, क्लियर है। और एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट हो तो उसके बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और चाहे रिएक्टेंट भी सॉरी प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो तो उसके बीच में भी प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज ये होता है कि प्रोडक्ट की तरफ हमेशा एरो साइन होता है इस तरह से, यानी जो एरो का हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो सपोज दैट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि Mg है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास आया MgO। लेकिन आप तो बोलेंगे सर तो यहां तो O2 है, यहां पे O एक ही है कि नहीं, ये तो बैलेंस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे जब इक्वेशंस होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी इक्वेशंस आएगा उसको बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। कौन सा? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद यानी जो बैलेंस नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। आई थिंक लिखना तो आपको आ गया होगा, उसके लिए आपको सिंबल पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे हमें बैलेंस कैसे हो आएगा, ओके। चलिए चलिए शुरू करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बराबर हो, तो यही होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होता क्या है कि ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट में जितना मास हो उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो ये मास किस बात पे डिपेंड करता है, आपको पता है कि मास जो है नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, यानी जितना एटम्स का नंबर रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम्स का नंबर प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। दोनों तरफ इक्वल अगर एटम्स होंगे तो मास भी इक्वल होगा। तो बैलेंस इक्वेशंस करने के लिए दोनों तरफ एटम्स का जो नंबर है वो इक्वल रखना होता है बस। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हीट और ट्रायल मेथड रखते जाएंगे और रिजल्ट देखते चले जाएंगे, यानी हीट करेंगे और फिर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करें, ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक है। ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप पहली बार मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे
बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो वापस प्रीवियस स्टेप पे आएंगे और वापस देखेंगे कि हमारा जो मेटल है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अगर वो अनबैलेंस हो जाता है तो वापस उसको बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को देखेंगे कि ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है। अगर ये अनबैलेंस हो जाता है तो इसको भी बैलेंस करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक स्टेप जब लेंगे तो हम प्रीवियस पे आके चेक करेंगे कि पहले वाला सब बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे काम आएगा। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास जो है सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन से। क्लियर, तो सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। और जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या हुआ, प्रोडक्ट है। क्लियर, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट में आते हैं और रिएक्टेंट में हम देखते हैं कि है क्या। क्लियर, तो रिएक्टेंट में हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में देखेंगे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है सिंपल। तो चलिए आते हैं, सोडियम कितना है इसमें, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। लेकिन अब प्रोडक्ट में आते हैं, सोडियम कितना है, 1, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला था कि मेटल को बैलेंस करना है, यहां मेटल ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर है ना, उसके बाद बोला था कि सोडियम, उसके बाद बोला था कि नॉन मेटल को बैलेंस करना है, तो नॉन मेटल को देख लेते हैं, नॉन मेटल तो है बैलेंस है, ऑक्सीजन वो भी बैलेंस है ना। जब सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन, उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, अनबैलेंस है। अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस है तो हम बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे ये ध्यान देखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अगर इसके साथ हम प्रीवियस में आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, 2 जो क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, और इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो सोडियम कितना बचा है यहां पे, 1, ठीक है, रिएक्टेंट में देखा जाए तो, और हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 1। क्लियर, प्रोडक्ट में देख लेते हैं, सोडियम कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2 यहां पे और 2 यहां पे, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है, और इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सोडियम है वो चेंज हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें सोडियम 1 है और इसमें सोडियम 2 है। तो वापस हम सोडियम को बैलेंस करेंगे, तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम बैलेंस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अगर ये कॉमन सेंस थोड़ा यूज करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे, चलिए इधर आ जाते हैं। तो यहां से अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो सोडियम में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरे बैलेंस ही नहीं है। तो यहां पर हम कर देते हैं 2 सोडियम,
2H2, और इधर क्या हो गया NaOH+H2। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। तो आते हैं पॉइंट पे, तो सोडियम कितना है यहां पे, सोडियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। क्लियर है, इस साइड देखते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 4, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं 2-4 क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करके जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी को समझ ना आया हो तो भी कमेंट कीजिए कि ये चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, समझ में आ रही बातें, क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और एक आप फिर वापस आप कीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्टेंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट में है। तो इस तरह से C2H6+O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आते हैं बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इधर अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट की अगर बात करते हैं, और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल, मेटल है नहीं, कार्बन है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल देख लेते हैं। कार्बन कितना है यहां पे 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन 6 है। प्रोडक्ट में देखिए कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, बस, ठीक है। तो बहुत चीजें अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल यानी कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, ठीक है। ये रूल आप हमेशा यूज करना, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन, तो लास्ट में हाइड्रोजन को। तो यहां पे मेटल है नहीं, कार्बन है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं नॉन मेटल को बैलेंस करके, तो नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, यहां पे 2 है, इधर भी 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, C2H6+O2 बैलेंस किए 2CO2, ओके, क्लियर होगी बात। अब इस स्टेप के बाद आगे बढ़ो, तो हमारे पास जो कार्बन आया 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 6, यही है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट की बात करते हैं, कार्बन कितना है 2, ऑक्सीजन 4 टू 5 हो गया, ऑक्सीजन 5, ठीक है, और हाइड्रोजन 2, ये चीज है आगे, क्लियर है, डाउट है किसी को। तो यहां पे तो ये बैलेंस हो गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं हमें नॉन मेटल के बाद किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है 5 है, और यहां पे जो ऑक्सीजन है वो है 2, तो 5 है यहां 2 है, तो बैलेंस कैसे होगा। अगर इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, क्लियर है, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना 5, 2 में 5/2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, C2H6+5/2O2, क्लियर है, प्लस सॉरी 2CO2+H2O, ठीक है। वापस चेक करेंगे, इसको यहां लिख ले रहे, ध्यान दीजिए, तो कार्बन कितना है रिएक्टेंट तक एंड प्रोडक्ट, क्लियर है,
कार्बन है टू, ऑक्सीजन है फाइव, हाइड्रोजन है सिक्स। इसमें देखते हैं कार्बन है टू, ऑक्सीजन है फाइव, हाइड्रोजन है टू। हाइड्रोजन है कितना? टू। तो यहां पे अब कार्बन भी बैलेंस है यानी नॉन मेटल भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पॉइंट पे, इधर छह है और इधर सिर्फ टू, ठीक है। तो टू को सिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वापस आते हैं हम, ओके तो हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। वापस चेकआउट करते हैं टू, ठीक है, ऑक्सीजन फाइव, हाइड्रोजन सिक्स। अब यहां पे देखो ये टू, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या क्या होगी? यहां टू टू फोर और थ्री, फोर थ्री सेवन, फोर थ्री सेवन, ओके। अब यहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? सिक्स। तो फिन से ये अभी बैलेंस नहीं है, यहां पे अब कार्बन को बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में फाइव है लेकिन प्रोडक्ट में कितना है? सेवन। तो इसको फाइव बाई टू को, फाइव को सेवन बनाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है कि अगर यहां पे फाइव बाई टू से सेवन, सेवन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव बाई टू की जगह सेवन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू में, तो सेवन आ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, सी टू एच सिक्स प्लस सेवन बाई टू ओ टू, टू सी ओ टू प्लस थ्री एच टू ओ। क्लियर हो गया। तो अब वापस देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कार्बन टू, ऑक्सीजन सेवन, हाइड्रोजन सिक्स। इधर देखते हैं कार्बन टू, ऑक्सीजन सेवन, हाइड्रोजन सिक्स, बैलेंस हो गया। दोनों तरफ का जो एटम है इक्वल है, इधर भी कार्बन टू है, कार्बन टू उधर भी है, हाइड्रोजन सेवन इधर भी है, हाइड्रोजन सेवन उधर भी है, यानी रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, दोनों इक्वल है। हाइड्रोजन सिक्स है रिएक्टेंट में भी, हाइड्रोजन सिक्स है प्रोडक्ट में भी। क्लियर। तो दोनों तरफ जब एटम इक्वल आ गया, यानी ये इक्वेशंस क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशंस हो गया, ठीक है ना। तो लास्ट में बैलेंस करके जो रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट आया हमारे पास बैलेंस करके। क्लियर है, हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिए, देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपके स्क्रीन पे आएगा वो क्वेश्चन, आप करके वापस कॉमेंट कीजिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, केमिकल इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसके लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं, अगर सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, गैस के लिए जी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्यू का यूज करते हैं, इक्वास सॉल्यूशन। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। तो ये इक्वास सॉल्यूशन क्या होता है? इक्वास सॉल्यूशन या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में अगर कोई भी सॉल्यूशन वाटर के साथ रहता है, वाटर के साथ लिक्विड में रहता है मिलकर, तो वो इक्वास सॉल्यूशन होता है। या तो वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट में भी हो सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, दोनों में हो सकता है। अपवर्ड, ठीक है, ये सिंबल क्या है? अपवर्ड का, ऊपर की तरफ। तो अपवर्ड में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन के बाद कोई भी चीज बाहर निकलता है, लाइक ए गैस, एवोपरेट हो जाता है, तो ये सिंबल देते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में ऐड होता है, ठीक है, या मान लीजिए कोई सॉलिड है वो नीचे जाके बैठ गया, ओके, तो इस कंडीशन में ये सिंबल यूज करेंगे डाउनवर्ड का। समझ में आ रही बात है?
तो ऐसे करते हैं, मान लेते हैं ये दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो कोई मैग्नेशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, मैग्नेशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और बच गया H2। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है। जनरली सी बात है, मैग्नीशियम सॉलिड रहता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एसिड है, तो एसिड किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो हो गया वो लिक्विड यानी कि वाटर और मैग्नीशियम दोनों के मिलने से बन गया, तो ये एक्वास सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और जो वाटर है वो गया, सॉरी H2 है, हाइड्रोजन वो गैस है तो वो एवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह से सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे के क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि ये रिएक्शंस होता कैसे है, ठीक है, कि हम कैसे जानेंगे कि किसके साथ कौन सा रिएक्शंस होगा, ठीक है, इसी बात पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके।